विश्व युवा दिवस पर दरभंगा शहर के उस संस्था में कार्यक्रम का आयोजन हुआ जहां युवाओं का हुजूम अपने सपने को सवारने के लिए आता है। जी हम बात कर रहे हैं डीपीएमआई दरभंगा की, जहां इस दिवस को विशेष बनाते हुए कई तरह तरह के आयोजन हुए। अब मेडिकल में बैचलर और वोकेशनल कोर्स के लिए कहीं और क्यों जाना, डिम्स है ना? डिम्स? हाँ, यूजीसी से मान्यता प्राप्त दरभंगा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, पैरामेडिकल, बैचलर ऑफ मेडिकल लैब टेक्नीशियन, रेडियोलॉजी, फिजियोथेरेपी, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, डायलिसिस टेक्नोलॉजी एवं हॉस्पिटल मैनेजमेंट जैसे टेक्निकल और वोकेशनल कोर्स कीजिए और दीजिए अपने करियर को एक ऊंची उड़ान। एडमिशंस ओपन फॉर 1 ईयर ऑफ डिप्लोमा, 2 ईयर्स ऑफ एडवांस डिप्लोमा एंड बैचलर ऑफ वोकेशनल कोर्स। संपर्क करें दरभंगा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, डिम्स कैंपस इन फ्रंट ऑफ गायत्री मंदिर, दरभंगा। कॉल करें 7781061194 या 6203545701 पर। Shailin Javin sahab, for the first time I am announcing his name after confirming from the memento. Otherwise I was just trying to recollect and recall, and the complete name was not coming in my mind. Now I आज इंटरनेशनल यूथ डे मनाया जा रहा है और आप लोगों ने मनाया है, क्या कहेंगे ये यूथ डे पे? नौजवानों का डे है आज, क्या कहेंगे? सबसे पहली बात, युवा जो है, युवा सबसे बड़ी कामयाबी है। अगर स्वामी विवेकानंद जी युवा के बारे में नहीं सोचते, वो इंडिया से अब्रॉड जाकर के नहीं पढ़ते, इल्म हासिल नहीं करते, तो आज हम लोगों के बीच जो ये दिवस मनाया जा रहा है आज नहीं होता। हम लोग बस युवा को यही कहेंगे कि आप जो हो, आप एक स्टेप आगे बढ़ो, देश दो स्टेप आगे बढ़ेगा, देश दो स्टेप आगे बढ़ेगा, बस आप एक स्टेप आगे बढ़ो। तो हमारे जो विवेकानंद जी थे वो भी बहुत सारी परिस्थितियों से गुजरे हैं, तो उस हिसाब से तो देश के युवा को बहुत आगे बढ़ना चाहिए, बहुत से कठिनाइयों से गुजरनी भी पड़ती है हम लोग को स्टूडेंट्स। मैम, इंटरनेशनल यूथ डे आज मनाया, इसका क्या उद्देश्य है? गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। अभी सभी मैं अपने मिथिला वासियों, जितने भी युवा हैं, उन सभी को मैं आज विश करना चाहूँगी। ये एक प्रेरणा है, इंटरनेशनल यूथ डे से हमें एक प्रेरणा मिलती है, हमारे मन की जिज्ञासा को जगाती है। हमें यूथ डे आज याद दिलाता है कि हम यूथ होकर के क्या कर सकते हैं, क्योंकि हम यूथ से ही एक ये देश आज़ाद हुआ था। जो भी हमारा 15 अगस्त आने वाला है, हम यूथ से ही एक ये देश आज़ाद हुआ था और हम यूथ ही इस देश की काया पलट सकते हैं, क्योंकि यूथ के अंदर वो सारी चीज़ मौजूद होती है, लेकिन सब ने अपने माइंड को अभी जंग लगा लिया है, किसी का माइंड नहीं चल रहा है, सब अपने ना पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हैं, ना किसी काम में ध्यान दे रहे हैं, फादर मदर सब पर डिपेंड हो गए हैं। लेकिन मैं अपने युवा से कहना चाहूँगी कि आप जागिए, उठिए और जब तक चलते रहिए, दौड़ते रहिए, जब तक आपको लक्ष्य की प्राप्ति ना मिले। मैं अपने युवा से कहूँगी कि आप ही देश की काया हैं, आप देश के वो मतलब युवा हैं जो आज हम लोग सरहदों पर आप लड़ रहे हैं, हर देश के कोना कोना में जो यूथ हमारे जा कर के खड़े हुए हैं और जिनकी वजह से हम आज़ाद होकर अपने घरों में बैठे हुए हैं, वैसे ही आप के अंदर भी वो चीज़ है जिन्हें आप जगाइए और आगे बढ़िए। तो मैं आज बहुत मतलब मैं देख रही थी कि अभी की युवा की जो जनरेशन है वो किस तरह से वर्क कर रहे हैं, वो हम लोग मतलब बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मोबाइल की ओर जा रहे हैं, ऑनलाइन मोड में जा रहे हैं, लेकिन बट ऑनलाइन मोड में जा रहे हैं इस तरह से जा रहे हैं कि मुझे कोई निवाला मुंह में दे दे और मैं खा लूं। हमें किस तरह से ये चीज़ आ रही है और कैसे आ रही है उन पर हम लोग डिपेंड सोच नहीं रहे कि वो कैसे हो रही है। तो मैं अपने सभी युवाओं को कहूँगी कि एक बार अपने दिल को झंझोड़िए
अपनी जिज्ञासा को बाहर लाइए और आप सब कुछ कर सकते हैं, कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है, आप कीजिए और आगे बढ़िए। और मैं आज अपने DPMI फैमिली की तरफ से सभी को मैं विश करती हूँ, और जो हमारे DPMI के अंदर आज युवा थी, जो हमारे स्टूडेंट है, वो इस देश के युवा हैं, उन्होंने एक से एक बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, उन्होंने दिखाया कि युवा के अंदर क्या चीज़ होती है, उन्होंने कुछ लाइनें बोली, कुछ पंक्तियाँ बोली, जिसके कारण मैं सोचती हूँ कि वो जो उन्होंने बोला है वो युवा वो चीज़ करे, वो जो बोलते हैं वो करे, सिर्फ बोलने तक ही महदूद ना रहे, भले उनको करके पूरा किया जाए। और मैं चाहती हूँ कि युवा कम ही एज में सारी चीज़ कर ले, जब तक वो युवा हैं वो एक पीढ़ी में ही कंप्लीट हर एक चीज़ करे, ना कि दूसरी पीढ़ी की मतलब सीढ़ी चढ़े। जब वो एक एज से ज़्यादा जाते हैं तो वो चीज़ उनके अंदर नहीं रह पाती है कि वो कर पाए। कम एज में अगर सारी चीज़ अच्छे वक्त पर हो जाए तो ये बहुत अच्छी बात है, हमारे देश के लिए एक गर्व की बात है कि युवा आज एक्टिव रहे, आज उनसे उनको एक प्रेरणा मिले और हमेशा एक्टिव रहे। DPMI फैमिली की ओर से मैं आप लोगों को मिथिला वासियों को सभी को शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, और खासकर आज युवा को।